ॐ श्री साई नाथाय नमः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ श्री साई नाथाय संध्या, तेरी बर्थडे के लिए हम सब ने मिलकर ये प्रेजेंट लिया है, तुझे जरूर पसंद आएगा। इसके बारे में बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी है और शायद ही ऐसा कोई कवि हो जिसने इसकी तारीफ न की हो। इसे सब पसंद करते हैं, ये अपने आप में ही एक कविता है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, इस गिफ्ट को तुम खुद ही खोल के दिखाओ।
ताजमहल। अच्छा ताजमहल है। बहुत दिनों से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदने का सोच रही थी, मैंने सोचा तुम वही लाई होगी। ए पीटर, तू जानता है क्या, कॉलेज में इस बार भी लड़कियां पहले नंबर पे आई हैं। हाँ अब क्यों नहीं आएंगी, वहां देख सरस्वती का कैसे अपमान कर रहा है। अबे सुन, बुक्स को डिक्की के नीचे रखेगा तो डिग्री कैसे मिलेगी। लड़कियां पढ़ाई को फॉलो करती है और लड़के उनकी कमर को फॉलो करते हैं। ऐसे में लड़कियां फर्स्ट क्लास नहीं मारेगी तो लड़के मारेंगे क्या। सही कह रहा है दोस्त, ये लोग पिछवाड़े में ही अपनी बुक रखते हैं। सॉरी पीटर। पहले अपनी डिक्की के नीचे देख फिर दूसरों की बात करना। सॉरी भाई सॉरी। अरे अपने दोस्त लोग नहीं आए, कहाँ रह गए यार। आ रहे होंगे, टाइम इतना हो गया पता नहीं कहाँ रह गए। अरे हाय, क्यों बे, तेरा बाप कंपाउंडर है। आई एम डॉक्टर शिवा। अबे तू आठवीं पास से बोलेगा ना तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा। चिल्लाओ मत यार, जैसा देश हो वैसा भेष बनाना पड़ता है ना। आजकल की लड़कियों को नहीं जानता कि तू पीटर डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उन्हीं को पसंद करती है, इसीलिए मैंने डॉक्टर के कपड़े पहने। कम से कम दो चार लड़कियां तो लाइन देंगी। ये सीक्रेट किसी को बताना मत। ऐसा क्या। पेजर में क्या मैसेज है। बस स्टैंड पर जो लड़कियों को छेड़ते हैं पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। हिंदी में। हाँ हिंदी में लिखा है। कहाँ है बे। अरे भाई मेरे घर के पास रोड पर 30 रुपए में 4 बेच रहा था। वो क्या है कि लड़कियों पर इससे इम्प्रेशन पड़ेगा। अरे मेरी छोड़ भाई, उधर देख कौन आ रहा है। कुंभुंग में चावल बेचने वाला ये लड़का अपने आप को कंप्यूटर इंजीनियर बताता है। उसके हाथ में सेलुलर सेटअप, लड़की का सेटअप। अरे वाह वाह क्या। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। ये मेरी फ्रेंड है रोजी। हाँ रोजी। ओह ये क्या है, मुफ्त में मिला। दिखा दिखा ना। आदमी बंदर का वंशज है ये तो सुना है, ये तो बिल्ली का वंशज है। अच्छा बता पुलिस का नंबर क्या है। 100। ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है। रोजी यू चीटर, नकली मोबाइल लेके घूमते। बस अभी बस जल्दी चल चल, आगे वाली सीट लेना, आगे वाली सीट। अच्छा इधर से, इधर से, इधर से प्लीज। अरे अरे हेलो मैडम, मैं आपसे प्यार करता हूँ मैडम, प्लीज प्यार करो ना मैडम, प्यार करो ना मैडम। मेरे से कोई प्यार नहीं करता मैडम, आप तो मुझसे प्यार करो ना मैडम, एक बार करो ना मैडम, बाद में छोड़ दोगी तो भी चलेगा, मैं दूसरी पटा लूंगा, प्लीज प्यार करो ना मैडम। मैडम प्लीज मैडम, ये लव लेटर स्वीकार करो ना मैडम प्लीज। कौन है भैया नमूना। मैडम देखो अपने एरिया का नहीं लगता। मैडम मैडम देखो ना मैडम, मैडम मैं आपके लिए सही रहूंगा मैडम, मैडम एक चांस दो ना प्लीज। देख बस नहीं चाहिए वो एक प्लीज मैडम, ये मुझे। लड़की को देखकर लव लेटर देता है क्या, तेरे घर में माँ बहन है कि नहीं, किधर का है बे तू। पठानवाड़ी। पठानवाड़ी, चल निकल निकल यहाँ से, चल चल। मैडम आप मुझसे प्यार करोगी, चल निकल यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा था, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक्स। माफ कीजिए, ये हमारा एरिया है इसलिए ये मेरा लव लेटर है, ले लीजिए ना प्लीज प्लीज, मुझसे प्यार करिए ना प्लीज प्लीज। ऑटो। सर 16 नंबर वाली बस चली गई क्या। पता नहीं भाई। सर याद करके बताइए ना 16 नंबर वाली बस। मुझे लगता चली गई। आप सोचिए मत, एग्जैक्ट बताइए, कभी कभी वो 8:45 आ जाती है, कभी 9 बज जाते हैं, कभी 9:15 भी हाय गाइस। हाय, ये देख तड़प रहा है अपना भाई, लव टेंशन चल रहा है ना। हम लोगों के यहाँ होते हुए बस कैसे चली जाएगी। कैसे जाएगी। हाँ रोज दौड़ कर आते हो ना, और रोज यही सवाल करते रहते हो कि 16 ये नंबर की बस निकल गई क्या, और पॉकेट को भी टच करते रहते हो। क्या बात है भाई, कौन है वो। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। लड़की सुंदर है क्या। थैंक्स यार। ओके सक्सेसफुल होने के बाद बताऊंगा, अभी तो सिर्फ देखा देखी चालू है। ये क्या कह रहा है देखा देखी चालू है। अबे कोई लड़की है ट्रेन है,
बगैर देखे प्यार, बगैर बातें करे प्यार, बगैर मिले हुए प्यार। अब तो तुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। ये प्यार नहीं है, ट्राई है। शुरू शुरू में ट्राइंग रहेगा, फिर फ्लाइंग हो जाएगा। अबे ये भी कोई प्यार है? हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, और अब तक तो तूने सेंचुरी मार देनी चाहिए। आजकल तो लड़की देखी नहीं और पूछ लिया चलती है क्या। यार पहले बात तो हो जाए। भाई कौन है तेरे दिल की धड़कन? दिल की धड़कन नहीं है, दिल की रानी है। हाय। अबे चलेगा बस में सब चढ़ गए। ये बुक पकड़ना है, क्या रसगुल्ला है। ए? सुबह से मेरे हाथों में खुजली हो रही है। देख मैं बोलता हूँ मान जा, देखने में वो पुलिस वाली लग रही है। चाहे कोई भी हो लेकिन ये रसगुल्ला मेरा है, और आज इसका रस। अरे पकड़ो इसे, मुझे छेड़ के जा रहा है। पकड़ो इसे, भाग नहीं रहा है। पकड़ो 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 इसे। कमोन संध्या, देख वो लड़का हमारा कब से पीछा कर रहा है। वो कब से तेरे पीछे पड़ा हुआ है पता नहीं, तू उसे भाव क्यों नहीं दे रही। क्यों उसे चप्पल से मारोगी? किसी भी आदमी को चप्पल से मारना या फिर चप्पल दिखाना गलत बात है। तुम लड़की हो, चार लोग पीछा तो करेंगे ही। अगर हम लोग सही हैं तो कोई हमें कुछ नहीं करेगा। ठीक है तुम चलो, मैं इसे देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, इधर आएंगे। कौन मैं? हाँ आप, इधर आइए। सुनिए मिस्टर, ये बात समझ लीजिए कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की पर आप समझते ही नहीं। यू बार बार मेरे पीछे आने से अगर आपको लगता है कि मेरा मन बदल जाएगा तो सीधी तरह ये बात समझ लीजिए कि मेरा मन नहीं बदलेगा। प्यार तो अपने आप हो जाता है, किसी के पीछे पड़ने से नहीं, समझे? हेलो हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पागल है। संध्या तुम तो अपनी बात बोलकर यहाँ से चली गई, लेकिन मैं अब क्या करूँ? मैंने तो अपनी बात तुमसे कही ही नहीं, एक दिन जरूर कहूंगा। तुम बहुत पढ़ चुकी संध्या, ठंड का मौसम है ना, चलो नीचे आकर पढ़ो। माँ एक ही चैप्टर बचा है, खत्म करके आती हूँ। चलो बेटी। आप लोग यहाँ पे हैं? मैंने पूरा घर छान मारा, मेरे घर में रोज मटन बन रहा है, मैं मटन खा खा के पक गई। आंटी थोड़ा सांभर दो ना। ए जब तक तुम हमारे घर से कुछ ले नहीं जाती तुम्हें लगता है नींद नहीं आती है? तू चुपचाप पढ़ना। आंटी अगर आज आपने मुझे सांभर दिया ना तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, बहुत काम की बात है। उसके लिए रोज तुझे सांभर देना पड़ेगा क्या? अगर आप मुझे सांभर देंगी तभी वो बात बताऊंगी। देती हूँ, बता। आंटी आज सुबह कॉलेज में। ए चुप रहो, क्या कर रही हो? मैं चुप नहीं रहूंगी, बता के रहूंगी। बता दो क्या बात है, बता। बताती हूँ, बहुत दिनों से एक लड़का संध्या का पीछा कर रहा है आंटी। बहुत दिनों से? मेहनत का फल जरूर मिलेगा, समझी ना। लड़का कैसा है, दिखने में तो अच्छा है ना? संध्या से पूछ लो ना। ए आंटी आज जब वो संध्या के पीछे पीछे आ रहा था तो संध्या ने उसे बुला के बहुत डांटा। शुरू शुरू में सब लोग डांटते हैं, फिर शादी करके माँ बाप के सामने आ जाते। सही कह रही हूँ ना फातिमा? आपकी संध्या ऐसी नहीं है माँ। पत्थर भी एक दिन पिघल ही जाता है। पत्थर पिघल सकता है लेकिन संध्या कभी नहीं पिघल सकती। ए मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं अपनी बेटी को जानती नहीं क्या? आंटी आपके हिटलर आ गए, मैं चलती हूँ।
आईपीएस पढ़ लिया तो बड़ा आदमी बन गया, मैं उसको सैल्यूट मारूंगा। उसको बोल दे मेरे से पंगा ना ले, नहीं तो ना एक दिन मैं उसे चौकी में खत्म कर दूंगा, समझा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घर के बाहर मत आया कर, तो फिर तू घर के बाहर आई क्यों? नहीं, आप नीचे गिरने वाले थे ना, इसलिए आपको संभालने आ गई। तू मुझे संभालने के लिए आई कि इस ऑटो वाले लड़के को देखकर लाइन देने चली आई? हाँ? नहीं नहीं, मैं आपको संभालने के लिए आई। जा अंदर जा, पागल समझती है जा। ए ऑटो सर, इधर आ। तेरा नाम क्या है? नागेंद्र। हाँ? नागेंद्र सर। माल कैसा है? कौन सा सर? माल एकदम मस्त है ना? बहुत मस्त है सर। इसको देखो जरा, मेरे सामने मेरी औरत को मस्त बोलता है। गुड नाइट सर। जा जा। ए कृष्णा देवी, ए किधर चली गई? मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और तू अंदर चली गई? तुझे मेरी हालत नजर नहीं आ रही है क्या? अंदर क्या कर रही है? चल जल्दी आ बाहर। क्या होता है रे, बड़ा आईपीएस ऑफिसर, कितना बड़ा। ए इधर हूँ, इधर गिरूंगा नहीं, ऑफिसर हूँ ऑफिसर। जानती हो संध्या, ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगर तुम इसे सच्चा प्यार समझ रही हो तो ऐसा प्यार तो मैं सबसे करती हूँ फातिमा। फातिमा, तुम अपनी शक्ल पर पर्दा करती हो और मैं अपने दिल पर। कंप्यूटर क्लास टीचर के लिए है शायद।
हुई ना बात। डैड, यस, मैं अपने घर के लिए एक खूबसूरत सी चीज लेकर आया हूँ। खूबसूरत चीज? या ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थोड़ा रुको, प्लीज वेट। सुबह सुबह कंप्यूटर क्लास गए थे ना? अच्छा, रेगुलर जाते हो? हाँ जाता हूँ ना, रोज सुबह ठीक 9 बजे मैं क्लास अटेंड करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा सब सीख लिया ना? पापा मतलब बेसिक कंप्यूटर सीख लिया ना? अच्छा, वो क्या है ना, कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से क्लोज करूँ, ये बहुत टेंशन हो रही है पापा। करेक्ट करेक्ट, शुरू शुरू में सबको थोड़ी टेंशन होती है। मैं बताता हूँ कोर्स का पहला चैप्टर क्या है जानते हो? बताइए बताइए ना पापा। सच में बताओ? हाँ बताइए। एक नौकरी ढूंढ लो। पापा, और ये कंप्यूटर क्लास है ना, ये सुबह छोड़ के इवनिंग में शिफ्ट कर लो। सिर्फ पगार के लिए नहीं बेटा, पैसे पर्स में होने चाहिए, साथ में विजिटिंग कार्ड भी, टू व्हीलर, ताकि तू कहीं भी जाए तो आराम से कंप्यूटर पीछे रख सके। या। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर कोई पूछे तो कि करते क्या हैं आप, विजिटिंग कार्ड दिखाओ, लाइफ स्मूथ रहेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा सुनो बेटा, ये बस स्टैंड पे जाकर इस तरह टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तुम एडवाइस समझ लो। समझ गए ना? तू छोटी उम्र में भी बहुत समझदार है, मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ध्यान से सुनता है। कितनी अच्छी, ये तो पागल है। अच्छा एक बात बता, ये एंजल फिश है ना? एंजल जोड़ी में खरीदा हो? करेक्ट करेक्ट। इनका नाम क्या रखेंगे? संध्या रखते हैं, छोटा है, अच्छा नाम है। संध्या, ऐसा नाम मछली का नहीं रख सकते ना? अरे क्यों नहीं रख सकते पापा, भले ही दुनिया वाले नहीं रखते हो लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम रखेंगे। फिर तो दूसरी वाली का गणेश रखते हैं। ठीक है पापा, अगर आप रखना चाहते हो तो रखो। ओके, फिश टैंक में डाल दो। ओके। देखा पापा, कुकर की आवाज आ रही है। कुकर की आवाज परिवार के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छा शगुन मानते हैं। एक और शगुन। इसे भी बड़े आराम से पोस्ट कर देना, नहीं तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं खुद कर दूंगा। गणेश, चुप, क्या कर रहा है? हाय हाय हाय। आओ आओ। ए दोस्त। हे, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। भाड़े का घर है क्या? किसका घर है क्या? तुझे ज्यादा पता है। ए, सुना है तूने कल झंडा गाड़ दिया? झंडा तो गाड़ दिया। क्या बात है बॉस, अबे देखा, ये तो बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए ना? हाँ पढ़ना चाहिए ना, पढ़ाई पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ना चाहिए था ना बे? हाँ हाँ पढ़ना चाहिए था। हाँ पढ़ना चाहिए था ना, पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था। अच्छा लाइफ में आगे क्या करना है? हाँ कुछ डिसाइड नहीं किया पापा, और उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, फ्यूचर का सोचेंगे तो प्रेजेंट खराब हो जाएगा। और लड़कियों के बारे में कब सोचेंगे? हाँ? कौन सी लड़की? जब तक चल रहा चलने दो पापा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुश्किल हो सकती है ना, इसलिए अभी से ध्यान रखो, जवानी का ये टाइम लौट के नहीं आता। मेरी बात मानो, तुम लोग मिलकर एक फास्ट फूड शॉप डाल लो। नहीं 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 नहीं, वैसे कुछ और भी डाल सकते हो, बेस्ट क्या है पता है, एक फैंसी स्टोर डाल सकते हो, मतलब कि एक चूड़ियों की दुकान। दिन भर तरह तरह की लड़कियां भी आती रहेंगी, अगर ढंग से बात करोगे तो जहां भी बुलाओगे वहीं आ सकती हैं, बस फ्रेंडशिप हो जाएगी। नहीं नहीं, अगर भाई बना लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ए चल चल चल, सामने से आना। ए चल हट। अबे क्या कर रहा है? अबे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम लोग खेल रहे हो। अबे तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ए, इंडिया में सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम संध्या है, और ये उसी के पीछे पागल है। अबे जरा आँख खोल कर देख, मीड़ी पहने, चूड़ीदार पहने, साड़ी पहने, कितनी लड़कियाँ हैं यार। थैंक यू। एक दोस्त,
अपने देश में शुगर की कमी भले हो जाए लेकिन फीवर की कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। ए रवि, हमारे शहर में मीडी चूड़ीदार साड़ी वाली लड़कियाँ बहुत सारी होंगी ना? या वो सब आराम से पट जाएंगी। वो लड़कियाँ मॉर्निंग शो में जाती हैं, इंटरवल के पहले एक के साथ, इंटरवल के बाद दूसरे के साथ बैठ जाती हैं। ये कोई सच्चा प्यार नहीं है यार। सही 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 बोल रहा है। बुरा लग गया क्या? नहीं। ए पीटर, हाँ, सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता यार। जिसे मिलता है वो बहुत खुश नसीब होता है। सच कहा तूने यार। जीसस क्राइस्ट। ए, उससे मिलने के लिए एक साल लग गया, बात करने के लिए एक साल, दोस्ती करने में भी एक साल लग गया। अब धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाना चाहता हूँ, उसी के लिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। और तुम लोग हो कि ए सुन, 3 साल से तू उसके पीछे हैं? संध्या कौन है, कहाँ है, हमें तो उसका एड्रेस भी नहीं पता है। मुझे भी उसका एड्रेस नहीं पता, लेकिन वो पीआरएस स्टॉप पर उतर कर जाती है। पीआरएस स्टॉप? अरे वो अपनी सेटिंग कंपनी है ना, पीआरएस। पीआरएस? ओ ए, इंग्लिश नहीं आती तो चुपचाप रहो। पीआरएस का मतलब पुलिस रिक्रूटमेंट स्कूल। पुलिस क्वार्टर में? ए मैं डर नहीं रहा हूँ। पुलिस क्वार्टर्स है भाई, पुलिस क्वार्टर्स जानता है ना, बिल्कुल सही जगह गया ये। अंदर जाने के लिए सॉलिड आइडिया चाहिए। पकड़े जाएंगे तो सीधे अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे। पीटर, ये काम तुम ही कर सकते हो। सबका मालिक एक, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, सारे जग का कर्ता धर्ता है। ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, सारे जग का कर्ता धर्ता है। ईश्वर। ए रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे? गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। ओके गॉड ब्लेस यू। ईश्वर महान है, तू ईश्वर का कर्ता धर्ता है। ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, सारे जग का कर्ता धर्ता है। ईश्वर महान है, ईश्वर महान है। आगे देख, फंस गए। ब्लेस मी फादर। माय सन, माय सन, आज से तुम्हारा सारा पाप मिट गया है। कौन सा पाप फादर? रिश्वत लिया है ना? हाँ फादर, लिया था। 500 मांगले उससे। अबे चुप कर। ओके 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 बेटा, अपने दूसरे बेटों को भी बुलाओ। कम हियर। गॉड ब्लेस यू। अबे पीटर क्या कर रहे हैं? हम लोग नकली हैं। अगर इन लोगों को मालूम पड़ गया ना चश्मेश, तो जीसस भी अगर जमीन पर आ गए ना, तो हमें बचा नहीं पाएंगे। अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए, अब तुम जा सकते हो। जाओ बेटा, जाओ जाओ। नहीं भाई लोग। अरे फादर, इससे उसका पता पूछो ना। चॉकलेट। चलो चलो चलो। चॉकलेट पॉपलेट लीजिए, अबे लीजिए। आज रात के रम का पैसा मिल गया। ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, ईश्वर महान है, सारे जग का कर्ता धर्ता है। अरे ऊपर से नहीं आ रही, सामने से आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता है ये ओरिजिनल क्रिश्चियन है। अगर हम पकड़े गए तो वार लग जाएगी, चल निकल लो। ए रुक रुक रुक, भागो मत। इधर आओ, इधर आओ। शांत रहो, शांत रहो, कुछ भी मत बोलना। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर देखो, जवान बच्चे कितने प्यार से परमेश्वर का गीत गुनगुना रहे हैं। अरे शिवा, वो हमारी तरफ हाथ क्यों कर रहा है? सबको अंदर करवाने को बोल रहा है। अरे मैं कब से बोला तू माना नहीं ना, यहाँ पुलिस क्वार्टर में फंसा दिया। हाँ, आज तेरे को छोड़ूंगा। जो तू बोलेगा वही मैं करूंगा। छोड़ना यार, क्यों इतना डर रहा है? मैं हूँ ना, चिंता मत कर, चल। अच्छा ठीक है ठीक है, चले क्या? फादर, फादर, फादर। ओ फादर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आप लोग किस चर्च से आए हो? टाइम पेड से। टाइम पेड से, चैंप पेड से, पटी रैप है। अच्छा तो आप सभी अलग अलग चर्च से आए हो? हाँ फादर। आपका नाम क्या है? फादर पीटर फिलिपाइन। और आपका नाम? मेरा नाम पूछ रहे हैं, पल्लानी स्वामी फादर। पल्लानी स्वामी? पल्लानी स्वामी नहीं, 5 साल पहले पल्लानी स्वामी था, अब पल्लानी डिसूजा है। और आपका? फादर आप हमें एक काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उसकी बहुत जरूरत है फादर। आशीर्वाद ले लो। यस, मुझे भी आशीर्वाद दो। निकल लो।
गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। सुनिए, ये वही आदमी है जो मुझे बस स्टॉप पे छेड़ रहा है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड अंकल? अरे निकल करते हो या संध्या से प्यार करते हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, वो मेरा रिकमेंडेशन। ये क्या एमपी सीट या एमएलए सीट है जो रिकमेंडेशन चाहिए? प्यार है प्यार, ये तुम्हें खुद ही करना होगा। ऐसा नहीं है प्रीति, एक लड़की के दिल को एक लड़की पढ़ सकती है ना। ये सब बेकार की बातें हैं, किसी के दिल को कोई भी नहीं पढ़ सकता। माता जी थोड़ी दया कर दीजिए, मैं सालों से कोशिश में लगा हूँ। सालों से एक ही लड़की के पीछे? हाँ। फिर तो तुम पीटर ग्रुप के हो ही नहीं। मैं पीटर ग्रुप का ही हूँ, लेकिन अलग टाइप का। अलग टाइप का मतलब? मेरा प्यार 3 दिन में खत्म होने वाला प्यार नहीं है प्रीति, जन जन्मांतर का प्यार है। तुम मेरे प्यार को नहीं समझोगी। तो क्या तुम सच में संध्या से प्यार करते हो? तुमने तो पूछ लिया कि मुझ में जान है या नहीं। यू नो फिलिक्स, फिलिक्स पंछी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो किसी भी हालत में सूरज के पास पहुंचना चाहता है, इसलिए वो हर दिन सूरज की ओर उड़ान भरने की कोशिश करता है। कुछ दूर उड़ने के बाद उसको पता चलता है कि सूरज की गर्मी से उसके पंखों में आग लगेगी और वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो इंतजार करेगा कि उसके घाव जल्द से जल्द भर जाए, जिससे वो वापस उड़ान भर सके और एक ना एक दिन उस सूरज को हासिल कर सके अपनी पूरी जिंदगी में। उसी तरह है ये गणेश, जो संध्या नाम की सूरज की तरफ हमेशा उड़ता ही रहेगा अपनी पूरी जिंदगी भर। फिलिक्स नाम का कोई पक्षी है क्या? वही तो तुम्हारे सामने खड़ा है। फिलिक्स के बारे में बताकर तुमने मुझे दुखी कर दिया। क्या? मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगी, चलती हूँ। हाय 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 हाय। क्या तुम हमेशा कंप्यूटर, बुक्स, लैब और पढ़ाई में उलझी रहती हो? इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ है कि नहीं? जिंदगी में जानने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी में प्यार करने के बारे में सोचा है कि नहीं? प्यार तो मैं कर ही रही हूँ। किससे किससे? मैं प्यार करती हूँ लैब से, बुक्स से, कॉलेज से। आजकल तुम बुड्ढों की तरह बातें करने लग गई हो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ। सवाल पूछने आई हो तो करती क्यों नहीं? करती हूँ, मैं तुझसे सवाल करूंगी पर घुमा फिरा के नहीं। तू गणेश से प्यार करती है कि नहीं? ये गणेश कौन है? 4 सालों से जो तेरे पीछे पड़ा है ना, वो गणेश। ओहो, अच्छा वो गणेश। मतलब तुझे उसका नाम भी नहीं पता? तेरे मुंह से ही मैंने उसका नाम सुना। मेरा तो सिर्फ एक ही एम है, बीएससी में गोल्ड मेडल लाना, और मेडल जब माँ को दिखाऊंगी तो वो बहुत खुश होंगी। मेरे लिए मम्मी जरूरी है और पापा जरूरी है। वेट, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्यों पसंद नहीं करती? जैसे किसी को पसंद करने का कोई कारण नहीं होता, वैसे ही किसी से नफरत करने का कोई कारण नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल, मैं सच में उससे प्यार नहीं करती। मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। प्यार पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। प्यार पर तुम्हें भरोसा नहीं है? हमारे हर रोम रोम में प्यार बसा है। तुम्हारी इस बुक में भी प्यार है, तुम्हारी इस बिंदी में भी प्यार है, तुम्हारी ड्रेस में भी प्यार है, और तुम्हारी काजल में भी प्यार है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे प्यार नहीं है। तुम प्यार से मिलो या न मिलो, लेकिन प्यार एक न एक दिन तुमसे जरूर मिलेगा।
नहीं मिलेगा। प्यार जैसे लव्स पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखते हैं। सॉरी मिस्टर गणेश, थोड़ा लेट हो गई। हॉर्लिक्स पियो। इट्स ओके। आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? कहो ना। आप ना बिल्कुल नगमा की तरह लगती हैं। नगमा की तरह? नहीं नहीं, खुशबू की तरह लगती हैं। आई थिंक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। डिसाइड करके बता दूंगा। हाँ नेकलेस बहुत चमक रहा है, कहाँ से लिया आपने? नेकलेस? ये नेकलेस पहनना, सिल्क साड़ी पहनना, मेकअप करना, इसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। करना पड़ता है। मेरे पति जब घर आते हैं तब ये लेटेस्ट डिजाइन है, नया फैशन है, पहन लो कह के जिद करते हैं। अच्छा बेटा मुझे बताओ, क्या तुम्हारी सच में सोने की दुकान है? हाँ बहुत बड़ी है। मेरी बेटी बेचारी सोने के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम देख कर बताओ। बहुत अच्छा है। ठीक से देखो ना। बहुत अच्छा है। अच्छी तरह से देख कर कहो ना। बहुत अच्छा है। माँ। हेलो, गुड इवनिंग। ये नेकलेस पहनने के लिए तुम्हें किसने बोला? ये हमेशा से ऐसी है, मजाक करने की आदत है। एक्सक्यूज मी, हॉर्लिक्स पियेंगी क्या? मुझे मेरे ही घर में बैठकर हॉर्लिक्स पिलाओगे? चलो यहाँ से। हाँ ठीक है। क्या बात है प्रीति, तुम संध्या से मिली थी, उससे बात की मेरे बारे में? तुम खुदकुशी के बारे में क्या सोचते हो? ये क्या मजाक कर रही हो? समंदर के पास आकर खुदकुशी क्या बोल रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, खुदकुशी के बारे में तुम क्या सोचते हो? वो तो डरपोक लोग करते हैं, हिम्मत वाले नहीं। हम जिसे चाहते हैं अगर वो हमें ना मिले तो? ट्राई करना चाहिए। फिर भी नहीं मिले तो? सिंसियरली ट्राई करना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं मिले तो? जान देकर भी ट्राई करना चाहिए। इसीलिए तो पूछा, खुदकुशी के बारे में क्या सोचते हो? मैं संध्या के अलावा और कुछ नहीं सोचता हूँ। तुम्हें बीपी है क्या? या नहीं, इसलिए पूछा कि कहीं मेरी बात सुनकर तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। परवाह नहीं है, बताओ। संध्या वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। पहले से जानते थे? हाँ, मैं तो सालों से उसके पीछे घूम रहा हूँ। मैंने तो सोचा कि तुम एक लड़की हो, मेरे बारे में उसे समझाओगी, तुम्हारा कहा वो मान जाएगी और मेरी बात बन जाएगी। तो आगे क्या? जब देखो बुक्स और पढ़ाई में ही वो लगी रहती है, तुम उसे लव के बारे में बात करो, उसे लव फिल्म्स वगैरह सब दिखाओ, हम आपके है कौन, दिल वाले दुल्हनिया, तब उसे रोमांस का मूड आएगा। प्रीति मेरे पास कुछ और काम धाम नहीं है क्या? नहीं, तुम फ्रेंड हो ना। अरे पीटर, ये आदमी तो मेरी जान ही ले लेगा। ठीक है टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, मैं खुद ही ट्राई कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी सिर्फ एक हेल्प कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकती हो। नहीं करोगी। मैं उससे बहुत बार मिल तो चुका हूँ, लेकिन उसकी वॉइस रोज माता जी की आरती की तरह सुनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अरे करना कुछ नहीं है, तुम इसमें उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे दे दो। ये फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हेलो। अच्छा तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो? किसी को पसंद क्यों नहीं करते, इसके हजारों कारण हैं, लेकिन पसंद क्यों है इसका कोई कारण नहीं बता सकते, बस पसंद है। चलता हूं। जैसे किसी को पसंद करने का कोई कारण नहीं होता, वैसे ही किसी से नफरत करने का कोई कारण नहीं होता। पसंद नहीं है, पसंद है। देखते हैं। बॉर्डर में जाके गोलियां चलाओ। ओ, इन गधों को तो कुछ काम ही नहीं है। Yeah.
अब तो खुश है ना? ठीक है, देर हो रही है, मैं जाती हूँ। सी यू, बाय, क्लास में मिलते हैं। ए प्रीति, बात क्या है, बताओ ना। बताती हूँ, खुशी में ज्यादा झूमने की जरूरत नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। संध्या ने तुम्हें उस दिन बचाया, वो प्यार। आइए सर, फिर से आपको सैड सॉन्ग की सीडी चाहिए? क्या बात कर रही हो, आपने तो फैसला भी कर लिया। सक्सेस पाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, आपसे बहुत दिनों से सुन रही हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर, लड़की मान नहीं रही क्या? अच्छा, मैं आपकी तरफ से बात करूँ? वो बात नहीं करने वाली, मैं बात करवाऊंगा। इसमें मेरी फ्रेंड और संध्या की बातें रिकॉर्ड है, अभी मैं और संध्या बात करेंगे। वो कैसे सर? आओ बता दो। क्या कहा था तुम लोगों ने, मुझसे कोई लड़की नहीं पटेगी? मैं अकेले बात करता हूँ, अकेले ही हंसता हूँ और सारे लव लेटर में दीमक पड़ जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये देखो मेरी और संध्या, संध्या, संध्या की, दोनों की अकेले में आइसक्रीम पार्लर की बात रिकॉर्ड है। ऑन करूँ क्या? करना। संध्या से अकेले में बात की थी? मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। मेरे साथ बैठे हो इसलिए आइसक्रीम खा लो ना, प्लीज। प्लीज नहीं ना, नहीं ना। अभी तुम आइसक्रीम खाती हो या नहीं? कहा ना नहीं खानी है। अगर नहीं खाओगी तो जबरदस्ती खिला दूंगा। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। लड़की तो फंस गई यार। तुम भी ना आइसक्रीम खिलाकर ही मानोगे। संध्या की आवाज़ है। नाटक मत करो। तो संध्या की आवाज़ है। आओ ना, सही है ना? ये बात तो मैंने पहले कह दी थी कि संध्या इसके प्यार में एक ना एक दिन जरूर पागल हो जाएगी। ये बता, तूने कब बोला था? बोला था साले, बोला था कि नहीं? बोला था। संध्या को तूने सच में आइसक्रीम खाई थी क्या गणेश? ओके 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 फ्रेंड्स, वंस मोर ऑन करता हूँ, सुन लो। हाँ सुनाओ। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। मेरे साथ बैठे हो इसलिए आइसक्रीम खा लो ना, प्लीज। प्लीज नहीं ना, नहीं ना। अभी तुम आइसक्रीम खाती हो या नहीं? कहा ना नहीं खानी है। अगर नहीं खाओगी तो जबरदस्ती खिला दूंगा। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? अरे मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। प्रीति, तुम तो बाहर गई थी, वापस आ गई क्या? अरे गणेश ने आइसक्रीम पार्लर में संध्या को आइसक्रीम खिलाई थी, वो भी अकेले में। अरे शिवा तू भी ना, मैं और संध्या आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन इस फ्रॉड ने आवाज बदल दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि संध्या जैसी लड़की को ये कभी पढ़ा ही नहीं सकता। तूने कब बोला था बे? बोला था। अरे तुम लोग चुप करो, मैंने ये तुम्हें कैसेट दी थी ना, कैसेट दो, सीधी तरह से देते हुए नहीं। एए, एए, रुको, रुको। अरे इधर, इधर, इधर। ये क्या? पापा है क्या इसमें? मुझे दे दो। पापा इस कैसेट में रामायण महाभारत भक्ति गीत वगैरह है इसमें। उल्टू भक्ति। पापा आप भी ऐसे गाने सुनेंगे? नहीं पापा, संध्या। संध्या स्वामी, संध्या स्वामी वही है जो विंध्याचल पर्वत के नीचे बैठे हैं, इसमें उन्हीं के भक्ति के भजन है। आइसक्रीम पार्लर में हमें ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा वो इसमें समझाया गया है। ये कैसेट जवान लड़कों के लिए है पापा, इसे आप मत सुनिए, हमें दे दीजिए। अंकल इन सब की बात मत सुनिए, आप एक कैसेट जरूर सुनिए अंकल। करेक्ट पापा। ए इसने कहा ना, लेडीज फर्स्ट। ओके ए ए ए रुको रुको, चुपचाप खड़ा रहे। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। मेरे साथ बैठे हो इसलिए आइसक्रीम खा लो ना, प्लीज। प्लीज नहीं ना, नहीं ना। अभी तुम आइसक्रीम खाती हो या नहीं? अरे वाह क्या भक्ति है, अच्छी भक्ति। अच्छा ये सब सोचा किसने, आइडिया किसका था? आइडिया किसका? ये सब इसका आइडिया था पापा। तेरा नहीं था ना? इसका आइडिया था।
अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा है। वैसे भी कल खास दिन है मेरे लिए। बाकी सब लोगों का जन्मदिन साल में एक बार आता है ना, इसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। फरवरी 29th लीप ईयर, इसलिए 4 सालों की खुशी एक साथ मनानी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। बेस्ट ऑफ लक। कौन है वहाँ? अंकल मैं हूँ, फातिमा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। क्या है, भूखी हो? खाओगी? नहीं, संध्या कहाँ है अंकल? बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मेरी बेटी पढ़ तो रही है ना? हाँ पढ़ रही है। कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? मुझसे झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही अंकल। लेकिन क्या बोलो। कॉलेज में एक लड़का संध्या के पीछे पड़ा है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक संध्या का पीछा करता रहता है। संध्या उससे बहुत परेशान हो गई है। पापा क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं पूछ रहे थे। मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्या कह रहे थे? मैंने उस लड़के के बारे में उन्हें सब बता दिया। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. हम सब लोग सुर में गा रहे हैं, तू अकेला गाता है नॉनसेंस। ओके फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ। ए, बर्थडे के दिन कहाँ जा रहा है तू? मैं कहाँ जा रहा हूँ, तू नहीं जानता क्या? बर्थडे के लिए बाहर कहाँ जा रहा है, किसी का डेट है क्या? हाँ हे, बर्थडे के दिन नए कपड़े पहनकर लवर को दिखाने की खुशी और ही होती है। तू नहीं समझेगा यार, तेरे बस की बात नहीं है, मैं चलता हूँ। ए सुन, आज के दिन भी हमें अकेला छोड़ के जाएगा? मेरी बात सुन पीटर, आज मैंने संध्या को लव लेटर देने का फैसला कर ही लिया है। सॉरी मेरे भाई, तू लव लेटर दे, कल दे, परसों दे, लेकिन आज तो तेरा बर्थडे है ना, इतने लोगों को इनवाइट किया है, इतना सारा अरेंजमेंट किया है, और अब तो पापा के आने का टाइम भी हो गया। आज मैं किसी भी हाल में उससे मिलना चाहता हूँ बस। Hey, पापा आ गए रे, अब तू नहीं जा पाएगा रे। पूछा तो क्या करेगा, किसने बोलेगा तैसे मार खाएगा। ए, छोड़ो। पापा ये बाहर जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है? पापा आज इसका बर्थडे है और ये नए कपड़े पहनकर बाहर जा रहा है, इसे पूछिए ना। हाँ डैडी मैं जाकर आता हूँ, मैं बस आता हूँ अभी, थोड़ी देर में आता हूँ। संभाल के जा गणेश। कहाँ गया ये? अरे वो कंप्यूटर क्लास के लिए जा रहा है। कंप्यूटर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं समझ सकती, ठीक है आप मुझसे बात मत करो, लेकिन प्लीज इधर पड़ो। Thank you.
पापा, गणेश को पुलिस पकड़ कर लेगी पापा। सर, आई एम डॉक्टर। क्या बैठ जाओ। थैंक यू। मेरे लड़के को आपने अरेस्ट किया है सर। कौन है तेरा लड़का? गणेश नाम है। जरा जोर से बोल। सर, गणेश नाम का लड़का जो लेडीज कॉलेज गेट के सामने से थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके लाया गया। मैंने उसको अरेस्ट नहीं किया। नहीं नहीं सर, आपने उसे अरेस्ट किया है। एक बार बोला, सुनाई नहीं देता क्या? आपने गणेश पर अरेस्ट किया, मैंने खुद देखा है। तूने देखा क्या? दिखाऊंगा। तूने देखा? तूने देखा? बता। सर, इन लड़कों पे हाथ मत उठाइए, गलत बात। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आई एम ए डॉक्टर, यू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बाहर चला जा, इज्जत से चला जा, वरना ठीक नहीं होगा। चल चले जा, गेट आउट। वेट, लॉयर को लेकर आते हैं। चलो चलो चलो, चल जा बे। चल निकल, चल। सर, एसपी साहब आए। कौन आया? एसपी साहब। एसपी आए तो आने दो, क्या सर पे बैठाऊंगा क्या उसको? उसने आईपीएस पास किया तो मैंने सर्विस की है। डॉक्टर साहब, पुलिस स्टेशन में आप आए हैं, क्या बात हो गई? गणेश को अरेस्ट करके यहाँ लाए सर, और ये कह रहे नहीं लाए। व्हाट? अपने गणेश को अरेस्ट कर लिया? अंदर आइए आप, इधर आओ। सर का लड़का यहाँ पे है। वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। हाँ सर, यहीं पर है। किस जुर्म में अंदर है वो? इंस्पेक्टर साहब ने इसे कॉलेज में लव लेटर देने के जुर्म में पकड़ा है। एफआईआर फाइल किया है? नहीं सर, वो अपने एरिया का केस नहीं है। अपने एरिया का नहीं है? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे जल्दी। यस सर। भाई चलो। ये एक छोटा मोटा लव लेटर का केस है और तुमने इसके ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है। डरा धमका कर छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? ये इसको भैंस की तरह मारा तुमने। ये मेरे बेटी को लव लेटर दे रहा था। तुम अपने पर्सनल मैटर को इस दरवाजे के बाहर रखना। इस डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा, समझे? आप इन्हें लेकर जाइए। सुनो, तुमने इनके साथ बदतमीजी की है, डिपार्टमेंट को क्या जवाब दोगे तुम? चलो इनसे तुरंत माफी मांगो। चलो, तुमसे गलती हुई है, माफी मांगना ही पड़ेगा। मैं माफी मांगू? यस। मैं इससे? मेरा बाल भी माफी नहीं मांगेगा। तुम क्या करोगे? एक्शन लोगे? सस्पेंड करोगे? कर दो, जल्दी कर दो। सुनो एसपी सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। एक काम करिए, डॉक्टर से 1000 रुपए लेकर इसे जाने दीजिए। समझ गए ना? मेरी ड्यूटी भी खत्म हो गई। इंस्पेक्टर, ये ऑपरेशन करने वाले हाथ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। अबे चल। ए गणेश, गणेश आप रुक जाओ। स्टॉप इट। जाओ, निकलो तुम। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। डॉक्टर, आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। गणेश को लेकर आप प्लीज जाइए, और हो सके तो गणेश को समझाइए कि इसे दूर रहे। कोई बात नहीं, जाओ। चलो गणेश। हैप्पी बर्थडे। ये देखो, हैप्पी बर्थडे टू माय सन। हैप्पी बर्थडे टू गणेश। हैप्पी बर्थडे टू माय सन, माय बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सन इन द वर्ल्ड। हैप्पी बर्थडे गणेश। पापा। गणेश, पापा। गणेश, तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? I'm okay पापा, I'm okay। ये ले,
ए ए ए ए ए उधर रहे, इधर इधर केक 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 का। आ आ आ आ आ आ अरे ये क्या, ये क्या दर्द हो रहा है? नहीं पापा। घबरा मत, ठीक हो जाएगा, मैं करता हूँ। वेट वेट वेट, थोड़ा सा पी ले 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 ले। सॉरी 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 सॉरी। पीजिए पापा, सॉरी पीजिए ना। श्योर पीजिए पापा। बेटा कंधे से आगे बढ़ जाए तो उसे दोस्त कहते हैं, पर तू तो तब से मेरा दोस्त है जब कंधे पे उठा के मैं तुझे सारे शहर में घुमाया करता था। फ्रेंड प्लीज। गणेश, प्यार सबके लिए एक अनोखा एहसास है, अगर कामयाब हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो आदमी मर जाता है। फिर से प्यार करने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। तू फिर से जन्म लेगा क्या? अगर तू फिर से जन्म लेगा तो मेरा ही बेटा बनकर पैदा होना। प्रॉमिस मी दैट। प्रॉमिस पापा। हाँ, नाइस नाइस बॉय। लव इज नॉट हार्ट ऑफ द लाइफ, ओनली ए पार्ट ऑफ द लाइफ, ये मैं कहता हूं। मेरी एडवाइस समझ के मान ले इसे। ए, तू मुझे अपना फ्रेंड समझ ले, समझेगा क्या? फ्रेंड हूं मैं। अभी बता, उस लड़की को पहले कहां देखा था, कैसे देखा था, क्या महसूस किया था, बताना बताना। रोना बंद करो। नहीं माँ, उससे पढ़ाई नहीं हो रही है माँ। क्या हुआ, तुम बच्ची की तरह रो क्यों रही हो, बता। माँ, जब भी मैं पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, मुझे बार बार उस लड़की की शक्ल नजर आती है। उस लड़के ने मेरे लिए इतनी मार खाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। संध्या संध्या, इस तरह रोते नहीं बेटा। माँ, मैंने उस लड़के की तरफ आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, फिर कैसे उसे मुझसे प्यार हो गया माँ, मैं नहीं जानती। मैं उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ माँ। मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझता माँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा माँ। संध्या संध्या संध्या, रो मत बेटी, मेरी बात मानो। तुम्हें गोल्ड मेडल लाना है ना, लाना है ना, तुम्हें मेरे लिए गोल्ड मेडल लाना है।
सुनो, दिल छोटा मत करो बेटी, ठीक है? गणेश, एक बार उसके चक्कर में तुम पुलिस स्टेशन जा चुके हो, वापस संध्या के पीछे पड़ना गलत बात है गणेश। दोस्त, उस दिन मैं बस स्टैंड पे लव लेटर देने गया था ना, एक लड़के ने मुझे मारने की धमकी दी। ये देख वही है, ये वाला। हाँ यार गणेश, हम दूसरे के एरिया में है, संभल के चलो। इसको मजा चखाएं क्या? चल। चलो। मैंने तो उसको यहीं पर देखा था, पता नहीं। गणेश, वो घर तो नहीं है। ए! इधर आ। कैसे हो दोस्त? दोस्त, इसको देख, दोस्त बोल रहा है। मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो बे? हाँ? मैं अपनी बहन का घर ढूंढ रहा हूँ। बहन का घर ढूंढ रहा है? ये एरिया तेरे बाप का एरिया क्या बे? चुपचाप निकल जाओ वरना फोड़ दूंगा तेरे को यहीं पे। चल चल निकल वरना लाफा खाएगा। क्या कहा? लाफा मारेगा, मुझे मारेगा? तू हमारे एरिया में आकर हमको धमकी देता है? अब काट डालेंगे तेरे को, समझता क्या तू? तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अब की बार हाथ उठाया ना तो छोड़ूंगा नहीं। झगड़ा करके तूने संध्या को देखा तो यहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैंने डरता किसी से, छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने उसे मारा तो भाग, मैं छोड़ूंगा उसे। अरे मेरी बात मान यार, चुपचाप रहे वरना संध्या से मिलना जुलना बंद। तुझे संध्या की पड़ी है, अपने दोस्त की नहीं। छोड़ूंगा नहीं साले को आज। छोड़ दे मुझे। तूने मुझ पर हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ है जब उसने मुझे मारा? पूरी तरह फोड़ डाला मुझे। उसने मुझ पर हाथ उठाया कोई परवाह नहीं, लेकिन उसने गणेश पर भी हाथ उठाया। ए पीटर, कहाँ है पीटर? ए, चलो सब सामान ऑटो में डाल दो। रहने दे पीटर प्लीज। क्यों, क्यों रहने दूं? इसको देख, इसको कितना मारा है। ये देखना, खून निकाल दिया इसका। इतना होने के बाद भी हम चुप रहेंगे? हाँ हाँ, इसी तरह मुझे भी मना किया था। बात सुन पीटर, अगर वो कोई दूसरे एरिया का होता तो मैं सच में उसके दोनों हाथ कट कर रख देता। फिर अभी क्यों खाली हाथ आ गया? अरे वो संध्या वहां रहती है। सॉरी गणेश, फ्रेंड्स या लड़की, फैसला तेरा। आ रहे हैं क्या? एक इशारे की दे रहे दोस्त, और डालेंगे। ए चल चल बे। कौन है बे वो? वो चेक शर्ट वाला है पीटर। वो आ रहा है। आने दे, आने दे। सर पे खड़ा है ये आया। ए! अबे तू, अबे पीटर। अबे साले तू। अरे मेरा यार है। अबे मेरे बचपन का दोस्त है। अरे पीटर मेरा दोस्त है। अरे मेरे ही गांव का दोस्त है। अरे गणेश, ये तो मेरा दोस्त है यार। आ जाओ। अरे हम सब दोस्त हैं यार। अबे यार, ये मेरे गांव का दोस्त है, कूल टाइप के है। यार बहुत दिनों के बाद तेरे से मिला। सरप्राइज यार। ए साले, तूने मेरे दोस्तों को मारा? अबे क्या बात करता है यार, मुझे नहीं मालूम था ये तेरे दोस्त हैं। अरे मैं तो घबरा गया था, किसने मेरे एरिया के लड़कों को मारा? सॉरी यार, आई एम सॉरी। ए आजा,
ये गणेश है, पैर पड़ता हूँ यार, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। शिवा शिवा, अरे शिवा यार सॉरी, धोखे से मार दिया तेरे को, माफ कर दे। कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, मुझे मार मुझे मार और मार 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 मार। अरे यार अब तो दोस्ती हो गई ना, हम सब तो अब दोस्त हैं यार। यार पीटर मेरा दोस्त यहाँ पर आया, अबे जा चाय बोल कर जल्दी आ। ए चाय ले गया। ए सिर्फ चाय लोगे क्या? अरे चाय से क्या होगा यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पीटर क्वार्टर पीने चलते हैं। चलो चलते हैं। Hey! क्यों आए? प्लीज फॉर गॉड से यहाँ से चले जाओ। संध्या संध्या प्लीज, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं किसी भी हाल में तुमसे बात करके ही रहूंगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाऊंगी। हाँ संध्या प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं। संध्या दरवाजा खोलो, संध्या दरवाजा खोलो। अंदर कौन है? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं पापा। सुनिए पापा, यहाँ कोई नहीं आया। पापा कोई नहीं आया तो मुझे बताओ बात किससे कर रही थी? नहीं पापा, मैं तो बस जोर से पढ़ रही थी पापा। कोई नहीं है यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो। देखो आज मैंने तुम्हें बचाया, बस इंसानियत के नाते इसे प्यार समझने की गलती मत करना। इंसानियत अलग चीज होती है और प्यार अलग चीज होती है, इन दोनों को मैं अलग करना नहीं जानता। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। इस कैसेट को सुन लेना, यह सिर्फ एक कैसेट नहीं है बल्कि मेरी जान है। जान देखा, ये लाइट भी मेरे प्यार को अंधेरे में रखना चाहती है। देखो प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये कैसेट जरूर सुन लेना, मैं वापस जरूर आऊंगा।
पापा, पता कितने दिनों से चल रहा है ये सब? नहीं नहीं पापा। अच्छा तो अपने आशी को घर में बुलाती है? मैं उससे प्यार नहीं करती पापा, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं तेरा विश्वास करूं? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा यहाँ पर। मुझे बता कब से ये नाटक चल रहा है? नहीं पापा। नहीं बता। हेलो संध्या, मैं गणेश बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम आइसक्रीम खाओगी या नहीं? मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। अभी तुम नहीं खाओगी तो मैं खिलाऊंगा। क्या मैं बच्ची हूँ? मेरे लिए तो तुम बच्ची हो। ठीक है, तुम कहते हो तो खा लेती हूँ। अब तो खुश हो ना? खुश हो। तुम भी नहीं, नहीं पापा, ये मैं नहीं हूँ। मैं उसे कभी नहीं मिली पापा। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। पापा प्लीज, मैं नहीं मिली उससे। आइसक्रीम खाने के लिए तू गई? और कहाँ कहाँ गई? बता। नहीं प्लीज, मैं सच कह रही हूँ पापा, मैं उसे नहीं मिली थी। नहीं बताएगी? नहीं प्लीज। बताती है कि नहीं? नहीं नहीं पापा। बता। मैं बता। पापा, मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूं ना? सारे माँ बाप बच्चों को गलती पर पीटते हैं, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं पीटा। शायद इसीलिए तो आपके इतने समझाने के बाद भी जिम्मेदारी को भूलकर मैं उस लड़की के पीछे उसके घर तक जाकर आया हूं। मुझे मारिए पापा, मारिए मुझे। पापा, प्यार, इज्जत, दिमाग, खूबसूरती, ये सारी चीजें किसी एक लड़की में नहीं होती पापा। और अगर होगी भी तो जरूर वो लड़की बहुत घमंडी होगी, लेकिन ये सब होकर भी मेरी संध्या में जरा भी घमंड नहीं है। इसलिए मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं पापा। मैं उसे गुलाब समझकर उसके पास गया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसमें कांटे भी हैं। दर्द तो बहुत हो रहा है पापा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। किसी की आदत हो गई तो बहुत जल्दी नहीं छूटती, है ना पापा? पापा, अगर भगवान मुझसे पूछे कि तुझे संध्या चाहिए या तेरी जान चाहिए, तो मेरा दिल संध्या ही कहेगा पापा। अच्छा, अगर वो ये पूछे पापा चाहिए कि संध्या चाहिए, तो क्या बोलेगा तू? तो मैं कहूंगा कि मेरे पापा को संध्या जैसी बहू चाहिए। मैंने तुम लोगों को यहां क्यों बुलाया जानते हो? कल गणेश रात के 3 बजे घर आया। वो कहां जाकर आया ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो ना? मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं उस पुलिस वाले से इसकी शादी की बात करनी। पापा, मेरी बात मानिए, वो एक पागल है, एक मेंटल है। होश में रहने वाले से शादी की बात की जाती है? वो तो एक पागल है पापा। हाँ, वो एक पागल हो सकता है, लेकिन मैं एक पागल नहीं हूं और अपने बेटे को भी पागल नहीं बनने दूंगा।
मैं उस लड़की का एड्रेस नहीं जानता। तुम में से कोई एक चलेगा? क्या काम है? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी एक ही औलाद है। किधर का आवारा है? वो आवारा नहीं है सर, बीएससी में पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लड़का है वो, बस आपकी लड़की से शादी करना चाहता है। इसके लिए हम दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? खड़े हो जा, खड़ा हो जा। कौन है तू? मेरा रिश्तेदार है, मैं तेरे घर से रिश्ता क्यों जोड़ू? मेरे दोस्त यार के यहाँ पर भी रिश्ता जोड़ने के लिए 100 बार सोचूंगा। बस स्टॉप पर आवारा गर्दी करने वाले लड़कों के साथ तू रिश्ता मांगने आया है? जवान संभाल कर बात कर, समझा? हट। क्या रे, मुझे धमकी दे रहा है? चल हट। रुको रुको, क्या कर लेगा तू? नहीं करेगा, छोड़ इसे। पुलिस वाले की गन है ये, रखो रखो। सॉरी सर, आपको वो पसंद नहीं है ये मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। बस एक छोटा सा डाउट है मुझे, आपकी लड़की भी मेरे लड़के को प्यार करती है कि नहीं? बस यही बात मैं उससे सुनना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात सुन के मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ काफी नहीं है? नहीं। ठीक है संध्या, आओ। प्यार, इज्जत, दिमाग, खूबसूरती, ये सारी चीजें किसी एक लड़की में नहीं होती पापा। पापा वो मैं संध्या क्या बोली कि मैं बोल रहा हूँ सुन, वो तेरे बेटे से प्यार नहीं करती। संध्या चल जा, जा अंदर जा, जा। ठीक है। पर संध्या ने तो कुछ बोला ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती इतनी बेइज्जती करने के बाद भी यहाँ पर खड़ा है तू? शर्म होगी तब आएगी ना, तू जाएगा कि मैं तुझे? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया वासु। चुप हो जा, चुप हो जा। चल, नहीं जाएगी तो क्या कर लेगा तू? पापा इससे इज्जत से बात मत करो, ये आपको क्या क्या कह रहा है, बदमाश कह रहा है। चल निकल, मैं मुझसे पंगा लेता है, बहुत चर्बी चढ़ी तुझे। मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन हूँ, मैं जरूर दिखाऊंगा तुझे। क्या कर लेगा बे, चल बोलना। अरे निकाल। हम लोग यहाँ पर लड़की का हाथ मांगने आए थे। चलो। सब तेरी वजह से हो रहा है, चल 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 अंदर जा। रात ए गणेश, अभी तक खाना नहीं खाया क्या? पापा क्या हुआ? पापा मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। पापा बोलो ना पापा, बाद में खाना खाएंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है पापा। पहले फैन कौन करो? हाँ ठीक है, अभी बताइए, बताइए ना पापा। पहले खाना तो खा ले। खा लूंगा तो बताएंगे ना? डेफिनेटली। ये बेवकूफ लोग कहाँ रह गए? गणेश जिंदगी बिल्कुल एक रेस कोर्स की तरह है, सब जीतने वाले घोड़े को ही पसंद करते हैं। एक रेस जीतने से कुछ नहीं होगा, हमेशा नंबर वन रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर वन को ही इज्जत मिलती है। पापा संध्या के घर झगड़ा तो नहीं हुआ ना? मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी तुमने। बीएससी खत्म करके एमबीबीएस करना चाहिए तुम्हें। तुम दोबारा बीएससी क्यों कर रहे हो? एप्लीकेशन डालते रहे तो एक दिन आराम से जॉब भी मिल जाएगी। कंप्यूटर क्लास से बच के रहना। खाना खत्म करो। पापा पेशेंस की भी कोई सीमा होती है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो बेटा। पापा
आप जरूर कुछ तो कहना चाहते हैं, लेकिन बोलिए ना पापा। तू उसे भूल जा बेटा, भूल जा। कितना टाइम लग रहा है, छोड़ो। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज फाइनल एग्जाम है ना, ध्यान से लिखना। हाँ जाओ बेटी। माँ और बेटी मस्त नाटक कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई हो चुकी, कॉलेज नहीं, अंदर जाओ। पापा आज मेरा गोल्ड मेडल का सपना पूरा होने जा रहा है। ओ, गोल्ड मेडल हासिल करना है या प्यार हासिल करने का सपना है? नहीं पापा। ए, नाटक नहीं। रात में बेटा घर में घुस आता है, दूसरे दिन उसका बाप आवारा लड़कों के साथ घर में आता है, और तू कॉलेज जाने की जिद कर रही है। बता, मैं तुझ पर भरोसा करूं? वो सब गली के किसी कोने पर तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही वहां पर तू पहुंचेगी, तुम सब बगल के मंदिर में जाकर शादी कर लोगे, फिर पुलिस स्टेशन भी जाओगे, वहां मेरे जैसे ही अफसर होगा, उसके पैर पकड़कर फोटो खिंचवाओगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करवाओगे। पागल समझाए मुझे? वासुदेवन की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, पेपर में फोटो के साथ न्यूज आएगा, आएगा कि नहीं? मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका दिमाग तो बिल्कुल गंदा हो गया पापा, आप हमेशा ही मुझ पर शक करते रहते हो। तू चुप कर, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। अगर इसने घर के बाहर कदम निकाला तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आज उसका फाइनल एग्जाम है। पापा कह रहे हैं उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, पर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं माँ। उनको मुझ पे भरोसा होना चाहिए माँ। माँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, माँ ऐसी लड़की नहीं हूँ। माँ आधे घंटे में मेरा पेपर शुरू हो जाएगा, माँ मुझे पेपर देना है। माँ मुझे मुझे हर हालत में ये गोल्ड मेडल चाहिए माँ। क्यों नहीं बेटा, तुम जरूर ले पाओगी। तुम बीएससी कर रही हो और मैंने साइकोलॉजी की है, मेरी पढ़ी हुई साइकोलॉजी कुछ भी काम नहीं है, लेकिन पापा को संभालने में ये काम आएगा। एक आदमी को शक एक दिन हो सकता है, दो दिन हो सकता है, लेकिन तेरे पापा शक की जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा हुआ तुम बेटी बनकर पैदा हुई, अगर तुम बेटा बनकर पैदा होती तो मेरी ही तरह वो उसका भी जीना हराम करती। माँ, शादी के बाद से मैं अकेले ही जी रही हूँ, आगे भी अकेली रहूँ तो परवाह नहीं। तुम कॉलेज जाओ, जल्दी जाओ। हाँ बेटी, आज तुम्हारा एग्जाम है, आज का दिन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम चुपचाप कॉलेज जाओ। जाओ बेटी। कॉलेज जा सकती हो। गली का कोना कोना देखा, वो लोग कोई नहीं है, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा, आओ। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, चलो। Thank you.
तुम अपने उस फ्रेंड को समझा दो, उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें पता है आज मैं उसके कारण एग्जाम भी नहीं दे पाती। पापा भी मुझ पे शक करने लगे हैं, वो सोचते मेरा और उसका कोई चक्कर है। अगर वो मुझे देखा तो चप्पल से मारूंगी, सच में। बोल चुके गोल्ड मेडल, अब मैं बोलूं क्या? तुम तो जानती हो मैंने ज्यादा लड़कों से दोस्ती की है, लड़कों की सोच में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। गर्लफ्रेंड को आने में जरा सी देर क्या लगती है कि उनके बगल में जो लड़की खड़ी होती है उसी पे डोरे डालना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनो, 10 मिनट हंसकर बात करेंगे या फिर कंधे पर हाथ रखेंगे, ये सच है, लेकिन सिर्फ दूर से देखकर प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत ही कम है। गणेश उन्हीं में से एक है। सच्चा प्यार है तो वो गणेश का है संध्या, वो सच में हीरा है। मैं जब उसके साथ रहती हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। एक लड़की के लिए गोल्ड मेडल तो एक अच्छा हस्बैंड का मिलना होता है, ये मेरी सोच है। अच्छा तुम मदर टेरेसा बनना चाहती हो क्या? शादी तो करोगी ना? किसी और से शादी करने से अच्छा तुम्हें प्यार करने वाले गणेश के बारे में तुम क्यों नहीं सोचती? मेरी शादी के बारे में सोचने के लिए मेरे माँ बाप हैं, और किसी को भी मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कृष्णा देवी, संध्या भाग गई क्या? क्या हुआ, क्या हुआ आपको? वो तो अभी तक कॉलेज से नहीं आई है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, भाग तो नहीं गई? मैं दिन भर कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। कृष्णा मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं ये हमारा मुंह काला ना कर दे। ये देख, मुझे पता है उसे प्यार हो गया है। बाप रे, ऐसा कुछ नहीं होगा। है, 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 उसे प्यार है, प्यार है। क्या करूं, वो आवारा लोग मेरे घर पे आए मेरी बेटी का हाथ मांगने, मुझे गन दिखाता है। तू जानती है यहाँ से लेकर स्टेशन तक रोड पर सब मुझसे डरते हैं। ये सब तेरी गलती है, तूने उसे पाला ना। माँ, माँ, आ, आ गई तू, आ। पेपर कैसा गया? अच्छा गया पापा। तेरा सपना पूरा हो गया ना? अगर हम यहाँ रहे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए बैंगलोर चलते हैं। हाँ? मेरे बहन के पास चलो, चलो जल्दी, चलो जल्दी। लेकिन ये कपड़े तो सुखा दो। कपड़े? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और तू चल, चल जल्दी, चल, चल संध्या, चल, चलो जल्दी। है, जल्दी चलो। माँ और बेटी मेकअप कर रही है, इसकी क्या जरूरत है? क्या है? आंटी? क्या है? सांभर चाहिए? ये पूरा ले। ये लो सब मिलके खाना। अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, हम बैंगलोर जा रहे हैं दीदी के पास। अब अगर सांभर चाहिए तो बैंगलोर आना, समझ गई ना? चलो रे। आइए गणेश जी, आइए। आपकी हरकतों की वजह से संध्या को बैंगलोर जाना पड़ा, अब तो आप खुश हैं ना? क्या बैंगलोर चले गए? तो अब मैं उसे कभी मिल नहीं पाऊंगा? मिल सकते हैं, पर आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा। बैंगलोर का एड्रेस जानती हो? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो, मुझे एड्रेस दे दो। बताती हूँ, मेरी वजह से एक बार आप मार खा चुके हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। बैंगलोर में गांधी नगर कांचना बिल्डिंग ऐसा कुछ कह रहे थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उनकी बहन का नाम कंचन था शायद। तुमने तो बैंगलोर कहा तो भी मैं ढूंढ सकता था, लेकिन तुमने तो गांधी मार्ग कांचना कह दिया, अब तो आसानी से एड्रेस ढूंढ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सफल हो बेटा। फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने के लिए पापा ने कह दिया है, पर उसका नाम क्या रखे है? अरे तू नहीं, तू बता। समंता फास्ट फूड।
जीजू फास्ट फूड। तू मुंह बंद कर। किसका नाम है? ठीक है, अरे घर के बड़े आदमी का नाम रखो ना यार। बिल्कुल सही, किसी बड़े आदमी का नाम रखना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। ए, संध्या नाम से रख। बिल्कुल सही नाम है। अरे तू चुप कर। हर चीज को संध्या को ले आता बना रहा हूं जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो। हाय टिशू। हाय बमशेक, तुम जानते हो हम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। नाम क्या है बताऊं? संद्रू फास्ट फूड, पापा ने बोला है। अच्छा तो तुम लोग सुधर गए हो। हम लोगों की छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आती हो? बार बार तुम्हारा यहाँ आना हमारी समझ में नहीं आ रहा है। गणेश को अगर संध्या नहीं मिली तो तुम उसे फंसा कर उससे शादी करके सेटल होना चाहती हो, सही कहा ना? उसकी छोड़ो, तुम मुझसे शादी करोगे? आ, क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तुम सॉरी, तुम जीसस, तुम नहीं, नहीं, नहीं। तुम भी सोचने लग गए हो। तुम लोगों को मेरी जैसी लड़की के साथ बीच जाना है, पार्क जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, आइसक्रीम खाना है बस। लेकिन शादी करनी है तो साड़ी पहनकर सर पर गजरा लगाकर चुपचाप चलने वाली शर्मीली लड़की चाहिए। क्यों? ए, जींस वाली लड़कियाँ अच्छी भी होती हैं और साड़ी वाली लड़कियाँ खराब भी होती हैं। तुम लोगों की कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं तुम सबके लिए कह रही हूँ। तुम सभी लोग किसी भी लड़की के दिल की बात को नहीं समझते। गणेश सिर्फ मेरा दोस्त है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, दैट्स ऑल। मैं किसी दूसरे काम से आई थी, पर तुम लोग गलत समझ रहे हो। इस 13 तारीख को मेरी मंगनी है, आप सब लोग जरूर आना। थैंक यू, थैंक यू। क्यों प्रीति, अभी आई नहीं कि निकल रही हो? सारी बातें इनसे कह दी है, देर हो रही है, बाय बाय। ए, तू कहाँ जा रहा है? बैंगलोर जा रहा हूँ। बैंगलोर? ओ, संध्या वहाँ गई है। नहीं तो मैं क्यों जाऊँगा भाई, यहाँ पर ये सब लोग बहुत पकाते हैं, इसलिए वहाँ जाऊँगा और दिल की बात शांति से कहूँगा। बैंगलोर जाएगा? तमिलनाडु पुलिस ने तेरी कम सेवा की है जो तू अब बैंगलोर पुलिस के पास जा रहा है? विधि का विधान है भाई, क्या कर सकते हैं। ए, एक काम की बात सुन, अगर धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा ना तो मंजिल मिलेगी ही। बेटा ये पुराना ट्रेंड है, आज का ट्रेंड क्या जानता है? उसके आगे पीछे घूमो, लड़की पट जाएगी। सही कह रहा है। चुप कर। इन्हीं लोगों के बढ़ावे के कारण ऐसे लोग रोड पर घूमते रहते हैं। अरे छोड़ छोड़ छोड़, तू जा भाई, बैंगलोर जा, कश्मीर बॉर्डर जा, या बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भी चले जा, लेकिन उससे पहले तेरे पापा ने जो अपॉइंटमेंट लेटर भिजवाया है उसे देख कर जा। अपॉइंटमेंट लेटर? ये सारा पापा का किया कराया है, पहले मेरा काम फिर उनका काम, इसे अपने पास रखो। और सुनो, ये लो, अगर कोई भी काम हो तो इस नंबर पर मुझे फोन करना। तुम लोग पापा को बता देना कि मैं उनसे फोन पे बाद में बात करूंगा। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देखता हूं। अरे बात मान, रुक जा रुक जा। अरे जाने दे उसे, ये भले ही वहां पर जाए, संध्या उसको मिलने वाली नहीं है। अब इस फोन नंबर की क्या जरूरत है? हां उसे फाड़ क्यों रहा है? अभी बैंगलोर जाना जरूरी है क्या? बैंगलोर चलने के लिए आप ही ने तो कहा था। अगर हम बैंगलोर जाएंगे, वहां पहुंचते ही दीदी पूछेगी, क्यों भाई अचानक क्यों आ गए? मैं उन्हें सच तो नहीं बता सकता, ऐसे ही आ गया दीदी, बेटी का एग्जाम खत्म हो गया था और छुट्टी पड़ी थी, हमने सोचा कि बैंगलोर घूम के आए। दीदी पूछेगी कि तू कभी अपने परिवार के साथ तो आया नहीं, तो आज क्यों आया, फिर सवाल करेगी। क्या कहूंगा जब मैं ऐसा हूं तो मेरी दीदी कैसी होगी, सोचो जरा। एक बार पूछेगी, दो बार पूछेगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, समझी? मेरी लड़की का एक लड़के के साथ टाका बिड़ा हुआ है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो भाग ना जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये मैटर, बैंगलोर पहुँचाना जरूरी है क्या? तो बता, बैंगलोर जाना जरूरी है? पर यहाँ तक तो आ गए। जल्दबाजी में तुम लोगों को तैयार करके बस स्टैंड पर लाकर बस में बिठाया, तुम लोग बस में बैठ गए हो, बस अब यहाँ से निकलने ही वाली है। अब मैं पूछ रहा हूँ बैंगलोर जाना है या नहीं, मुझे पागल समझा है क्या? है, नहीं जाएंगे हम लोग, बैंगलोर नहीं जाएंगे, बैंगलोर जाना कैंसल, मैं जो चाहूंगा वही होगा, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो उठो, चलो जल्दी, चलो चलना जल्दी, नीचे आना, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। माँ तुम इन्हें कैसे झेल सकती हो? चलो चलो। Thank you.
डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ सर? उसने जहर खा लिया सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बचा लीजिए सर। सॉरी, ही इज नो मोर। बेटा तू मुझे छोड़ के चला गया। सुनो, क्या हुआ? एक तरफा प्यार था सर, 3 साल से एक लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ा था, लेकिन वो लड़की इसको पसंद नहीं करती थी, ये वो सह नहीं पाया, बोल रहा था उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, और इसने जहर पी लिया सर। वो लड़की तो किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगी, पर इसका क्या हुआ? इसके पिताजी ने इसको पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट उठाए। इकलौता लड़का सर, इकलौता लड़का था सर, एक लड़की के प्यार में सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। लगता है किसी बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पापा हमेशा कहते रहते हैं, मौत को कभी कोई नहीं रोक सकता। फातिमा, क्या ये क्या कह रही हो तुम? मुझे ढूंढने के लिए? ये कैसा है मेरा प्यार, ये तुमसे है संसार। गणेश को कैसे ढूंढें? क्या करें? बैंगलोर जाने वाली सारी बस, लॉरी और ऑटो सब पर पोस्टर चिपका दो, वो कोई तो पोस्टर देखेगा। चलो। मेरा दर्द क्या तेरा दर्द नहीं है क्या, तू बता क्यों ना जाने ये तन्हा दिल तेरे नाम से ही धड़के। दर्द ये दिल का कैसे
कैसे बताऊं तेरी उन यादों को कैसे भुलाऊं, तेरे बिन जीना मुश्किल है कैसी उलझन है ये बता, ये कैसा है मेरा प्यार, ये तुमसे है संसार, ये कैसा है मेरा प्यार, ये तुमसे है संसार, मुझे आज कर प्यार मेरा दिल कहता, मेरा दिल कब से तुम सुन रहता, यू न मोड़ो दिल यू तोड़ो, यू ठोकर न दिल को तुम मारो सनम, ये कैसा है मेरा प्यार, ये तुमसे है संसार। बेटा बहुत टाइम हो गया है, वो लड़का आएगा कि नहीं पता नहीं, और इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आप में से किसी को इन्हें आग देनी होगी। पर हम कैसे? तुम क्रिश्चियन हो, तुम आग नहीं दे सकते। हेलो हेलो हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ। हेलो, अरे कौन बात कर रहा है? हेलो गणेश, हेलो मैं हूँ, मैं पीटर बोल रहा हूँ। हाँ पीटर, अरे तेरी आवाज़ को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं यार। हाँ ठीक है ना, पापा कहाँ है? ओ पापा, पापा पापा सो रहे हैं। अच्छा सो रहे हैं क्या? ठीक है, डिस्टर्ब मत करना। गणेश, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। गणेश यार, संध्या के घर पर ताला लगा है। मेरे दोस्त बात सुन मेरी। हेलो, तू यहाँ जल्दी से आ जा यार। सुनना, जल्दी आ जा। हाँ पीटर बोल। मैं कह रहा हूँ तू आ जा यार। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जरा जल्दी आ जा। पता नहीं सर क्या हो रहा है, पता नहीं सुबह से बार बार ऑटो क्यों बंद हो रहा है। इस ऑटो से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई बात नहीं, पास में ही मेरा घर है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। आज सुबह से धंधा नहीं हुआ, सारा धंधा चौपट हो गया इसकी वजह से। कुछ करना पड़ेगा, सीधे गैरेज लेके जाऊँगा। थैंक यू सर। सर अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा ऑटो में धक्का लगा देंगे, शायद ऑटो स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, संभाल के जाना। Thank you.
पापा! अरे सर क्या हुआ? क्यों भाग रहे हैं? लॉरी से टकरा कर स्पॉट पर ही गणेश मैंने देखा था, एक्सीडेंट होते मैंने देखा था, ये मेरी बदकिस्मती थी, मैं चला गया, लेकिन कम से कम तुझे तो पता ना चाहिए था, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया। आखिर में मैं पापा को देख नहीं सका, नहीं देख सका अपने पापा को। पीटर, मेरे आने से तुम सबको रुकना तो चाहिए था, क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं रुके तुम लोग? यार गणेश, हम रुके थे यार, लेकिन सब लोगों ने पापा को चलाने के लिए कह दिया था। मार मुझे, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, मार मुझे, मार 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 मुझे, मैं पापी हूँ, पापी हूँ। चल 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 सच्चा प्यार है तो वो गणेश का है संध्या, वो सच में हीरा है। एक लड़की के लिए गोल्ड मेडल तो एक अच्छा हस्बैंड का मिलना होता है। मैं ये नहीं जानता कि इंसानियत अलग होती है, प्यार अलग होता है। मुझे तुम्हारे दिल में सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए। प्यार है मुझे तुमसे प्यार है। माँ इतनी परेशान है, पापा मुझ पे शक कर रहे हैं, फिर भी मेरा दिल उसे क्यों चाह रहा है? मैं क्यों उससे प्यार करने लगी हूँ? क्यों? Thank you.
गणेश, तुम्हारे पिताजी के बारे में सुन के मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। संध्या आपसे कुछ बात करना चाहती है। आज शाम को वो बीच पे आपका इंतजार करेगी, आप जरूर आना। गणेश, मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत कैसे करूँ ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इतने सालों से मैंने अपने दिल को पत्थर बनाए रखा था, पर अब वो पत्थर पिघलने लग गया है और उसका कारण तुम हो। वजन उठाने वाले को अपने बोझ का पता तब चलता है जब वो वजन उठाता है। पता है मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ? मुझे तुमसे प्यार करके एक दिन भी नहीं हुआ और मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। और गणेश, तुम 4 साल से अब मेरा प्यार पाने के लिए तड़प रहे थे। तुम्हारी तड़प को अब समझे हूँ मैं। इतने सालों की तड़प क्या होती है अब समझी हूँ मैं। गणेश, मैं तुम पे रहम करके अपने प्यार का इजहार नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। गणेश, आज मैं तुमसे कहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक बार फिर से कहो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हारे मुंह से ये 3 लव सुनने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता था। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। माँ के पेट में पल रहे बच्चे को 9 महीने बाद देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 4 साल लग गए। प्यार कस्तूरी की तरह होता है, लेकिन ये बात सभी लोगों को नहीं पता है। संध्या, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। प्यार एक लड़के को पागल बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है और कभी कभी कातिल भी बना देता है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बनाने के साथ साथ बाप का कातिल भी बना दिया। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है ये बात एक दिन में पता चलती है या एक महीने में पता चलती है, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ये जानने के बावजूद भी मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमता रहा। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पागलपन था, मैं तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया था। मुझे अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं थी। तमिलनाडु स्ट्रीट की एक एक गली में, रंगनाथन स्ट्रीट, रामास्वामी स्ट्रीट, इस तरह बहुत सारी गलियों में सच्चे प्यार की तलाश में कितने पागल नौजवान घूमते रहते हैं। नहीं, कोई भी लड़की सच्चे प्यार को कभी नहीं समझ सकती। धोखा देकर प्रेग्नेंट करने वाले लड़के से लड़कियां प्यार करती हैं, लेकिन हमारे सच्चे प्यार को नहीं समझती। आज तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं करता और तुम्हें पसंद भी नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्यार के लिए बहुत कुछ खो दिया मैंने, अपने अपने बाप को, अपने पापा का अंतिम क्रियाकर्म भी मैं अपने हाथ से नहीं कर सका। अपने पापा को खोने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार को खो देने का फैसला ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी तरह प्यार के पीछे पागल की तरह घूम रहे सारे लड़कों के लिए कर रहा हूं। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, ये ढूंढने से नहीं मिलता। अगर उसी प्यार को आप अपनी जिंदगी से ठोकर मार दो तो वो वापस आपके पीछे आता है। अब मैं ये समझ गया, प्यार क्या है ये जाने बिना मरने से अच्छा है कि उसे जानकर आप हार जाओ। गुड बाय। एक मिनट रुकिए, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले सही नहीं होते। मैं तुमसे और एक बार कहती हूँ, मैं तुम्हें अपने दिलो जान से चाहती हूँ। गणेश,
जिस तरह से आप मेरा इंतजार बस स्टैंड पे करते थे, उसी तरह कल से मैं भी उसी बस स्टैंड पे आपका इंतजार करूंगी। मुझे भरोसा है आप जरूर आएंगे। आज गणेश जरूर आएंगे। हमारा ये फैसला एक बच्चे का रोना बंद कराने वाली माँ की तरह है। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, प्यार के दर्द को दबा देना चाहते हैं। प्यार को सीख कर उसे भूल जाओ, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। Yeah!